हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में आप सबका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक से आगे चलते हुए हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ग्रुप है उसमें आबेली ग्रुप की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिससे हम टर्म को यानी कि किसी भी सेट को आबेली ग्रुप प्रूफ कर सकते थे। जैसे ए की पावर कोई समुच्चय ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस प्रकार की कोई भी इसमें रूल है तो हम उसको आबेली ग्रुप प्रूफ कर सकते थे। उसी से आगे चलते हुए हमने आपसे कहा था कि इस प्रकार की टर्म में अगर हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब यानी कि ए बी का होल क्यूब हो, ठीक है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, आबेली ग्रुप कहेंगे। तो अब हम इसका एक जनरल फॉर्म बना देते हैं कि ए बी की पावर एन होल एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन हो तो जी एक आबेली ग्रुप होगा। ठीक है, तो हमारे पास मोस्ट एग्जांपल है यदि किसी ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांकों एन के लिए ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन ऑल ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी, तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एंड में हमारे पास क्या आना चाहिए। एंड में हमारे पास आना चाहिए कि ए बी बराबर बी ए। ठीक है, अगर इस प्रकार की टर्म है तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं कि माना कि ए बी कोई दो स्वेच अवयव है, स्वेच अवयव है तथा एन एन प्लस वन एन प्लस टू क्रमागत पूर्णांक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, क्रमागत पूर्णांक में क्या आ गया, ए की बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन। ठीक है, समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, ए बी की पावर एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन, ये समीकरण नंबर कितने हो गए, दो, ए बी की पावर एन प्लस टू ए की पावर एन प्लस टू और बी की पावर एन प्लस टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास लेके चलेंगे तो हम इस वाले को लेके चलते हैं और इसको लेके चल के हम एंड में क्या प्रूफ करने वाले हैं, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, तभी तो ये आबेली ग्रुप होगा। सिंपल सी बात है कि किसी भी ग्रुप में की हम बात करें आबेली की, तो हमारे पास अगर गुणा है संक्रिया तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होने पर ही आबेली ग्रुप बनेगा। तो हमारे पास लास्ट वाली टर्म है बाय इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको ले लेते हैं, ए बी की पावर एन प्लस टू इक्वल टू ए की पावर एन प्लस टू और बी की पावर एन प्लस टू। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर एन प्लस वन और ए बी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन और ए
और b की पावर n प्लस वन और b, बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए हम ब्रैकेट हटाए इसमें तो समीकरण नंबर दो से हमारे पास क्या बन जाता है, a की पावर n प्लस वन b की पावर n प्लस वन बनेगा या नहीं, और ये रह गया आपके पास ए बी, राइट। इसको हम अभी ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, क्लियर, ठीक है, समझ में आया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसको साचर्य नियम लगाएंगे इसमें, जैसे बी एन प्लस वन इसके साथ में लगा देते हैं और यहां पर भी ए को हम यहां पर भेज देते हैं, जिससे ए की पावर एन प्लस वन यहां बच जाएगा, एक पावर एन प्लस वन यहां बच जाएगा और हम उसको क्या कर देंगे, निरसन नियम से काट देंगे, ठीक है। ये काम हम आगे करते हैं, हमारे पास a की पावर n प्लस वन यहां से मिल गया और ये हो गया हमारे पास b की पावर n प्लस वन ब्रैकेट में चला गया ab के साथ, ठीक है। आप पीछे देख सकते हो a की पावर n प्लस वन, ये भी a चला गया यहाँ पे b n प्लस वन और ये हो गया b, ठीक है। ये रूल क्या हो गया कि g में साचर्य नियम लग गया, साचर्य नियम से, साचर्य नियम का मतलब क्या है, ब्रैकेट चेंज करना, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए a पावर n प्लस वन आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, दोनों a की तरफ आ रहे हैं, तो वाम निरसन नियम, लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट माने वाम, वाम निरसन नियम से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा b की पावर n प्लस वन ए बी बराबर ए बी की पावर n प्लस वन और b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें भी कुछ चेंज करते हैं, तो b की पावर n प्लस वन और a को यहाँ छोड़ देते हैं और b को बाहर ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है ब्रैकेट चेंज करने में, क्योंकि हमें पता है ये ग्रुप है तो ग्रुप तो हमारे पास चेंज हो सकता है। अब यहां पर कह दो क्या है, ये जो बी है, बी दोनों एक तरफ ही है यानी कि राइट साइड, हमारे पास ये बी से बी कट सकता है, कौन सा नियम है हमारे पास, दक्षिण निरसन नियम, ठीक है। तो बच गया हमारे पास बी की पावर एन प्लस वन ए और ए बी की पावर एन प्लस वन, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए की पावर एन से संक्रिया करा देते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि संक्रिया किससे करानी है, तो देखो संक्रिया जो करानी है वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप यहां की टर्म को देखते हुए, ऐसा तो नहीं है कि आप इसको उल्टा घुमाकर ए से काट दो, बी की पावर एन प्लस वन से बी की पावर एन प्लस वन काट दो और भाई हमको तो ये आता है या ये कर सकते हैं, जी नहीं, आपको ए बी बराबर बी ए निकालना है, ठीक है, आपको क्रमगिनी में नियम निकालना है, तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। अब ए की पावर एन को मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या है वो आपको अभी दिख जाएगा। हमने क्या किया, ए की पावर एन यहां से देखो हम क्या ले सकते हैं, बी की पावर एन को यहां ले सकते हैं इसके साथ में, ब्रैकेट बंद कर सकता हूं और जो यहां से बी बच जाएगा वो ले सकता हूं मैं इसके साथ में, ठीक है, b चला गया इसके साथ में और n चला गया इसके साथ में, राइट। ऐसे ही काम हमें यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे b a है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ab होना चाहिए, तो a की पावर n के साथ में कौन दे दो, a दे दो, ठीक है, और b की पावर n प्लस वन को बाहर छोड़ दो, राइट। अब देखिए ये वापस से मैं पैक कर दूं समीकरण नंबर एक से तो क्या बन जाएगा, अगर इसको पैक कर देता हूं तो ये बन जाएगा ए बी की पावर एन बन जाएगा और यहां आ जाएगा बी ए, और ये क्या बन जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन और ये क्या है, बी की पावर एन प्लस वन। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या बनना चाहिए, ए बी की पावर एन प्लस वन बनना चाहिए ना, और यहां पर भी क्या आ रहा है, ए बी की पावर एन और बी ए, और मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या आएगा, ए बी की पावर एन और ए बी,
सेम ऐसे ही ए बी की पावर एन और बी ए, या ए बी से ए बी कैंसिल, कौन से नियम से? वाम निरसन नियम से, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? बी ए बराबर ए बी या ए बी बराबर बी ए, जो आपको प्रूफ करना था, राइट। और यहाँ पर ऑल ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहे हैं? जी में से आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज प्रूफ हो गई है, हम कह सकते हैं कि अतः जी एक आवेली ग्रुप है, ठीक है। जी क्या है? एक आवेली ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास जो टर्म बनी वो इस प्रकार से हमें मिल गई। तो हमें ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि हमारे पास ए बी की पावर एन, सवाल दोबारा देख लेते हैं कि ए बी की पावर एन, ए बराबर ए एन और बी की पावर एन, इस प्रकार से टर्म दे रखी है तो जी एक आवेली ग्रुप होगा, राइट। अब एन की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, चाहे वो एन प्लस वन टर्म हो, चाहे एन प्लस टू हो, एन का मान अपते जाओ, टर्म कुछ भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं, सवाल और है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 7 हम लेते हैं। तो हमें सिद्ध की करना है, सिद्ध कीजिए कि चार कोटी का प्रत्येक समूह क्रम विनिमय होता है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल से आप तक चल गया कि ए बी की पावर होल एन बराबर ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन अगर है तो यह ग्रुप आवेली होगा, राइट। ये नियम की तरह याद रखना हमको, एग्जांपल था ही आपका। अब इसको भी हम प्रूव करते हैं। तो माना ई ए बी और सी, ठीक है, ये आपके पास कोई चार कोटी बोली थी, तो चार अवयव वाला कोई समूह है, ठीक है, चार कोटी का कोई समूह है, जिसका तस्मक अवयव क्या है? तस्मक अवयव ई है, ठीक है। ये एक सारणी है जो हम बना रहे हैं, ई ए बी और सी, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई के लिए बना रहे हैं इसको। तो ई से यू करोगे तो क्या आएगा? ई आएगा। ई से ए को करोगे तो क्या आएगा? ए। ई से बी करो बी, और ये सी, क्योंकि पता है ई क्या है, तस्मक अवयव है। ए इंटू ई ए बी और सी, ए इंटू ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए बी स्क्वायर और बी सी सी ए सी बी और सी स्क्वायर, ये हमारे पास बन गई सारणी। अब इस सारणी में आप खुद देखिए, आपने कहा है कि प्रत्येक समूह क्रमिनी में होता है चार कोटि का। अब क्रमिनी में क्या होता है, हमें पता कैसे लगाते हैं कि भाई प्रत्येक अवयव, जैसे हम ये ई है, ई तस्मक अवयव है, तस्मक अवयव है इसका मतलब ई के साथ में मैं ए को करूं या ए के साथ में ई को करूं मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है भाई। ए यहां पर भी है, बी है, सी है, सेम यहाँ पर ई है, ए है, बी है और सी है, ध्यान सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बराबर है। अब बराबर है तो इसका मतलब ए ए बराबर बी से बी और सी से सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई, यहाँ पर जो हमारे पास ए बी है वो किसके बराबर होना चाहिए? बी ए के। ये प्रूफ कर दें अगर हम, तो सही है। ऐसे ए सी है वो किसके बराबर होना चाहिए? सी ए के, ए तो ए स्क्वायर तो बराबर होगा ही ए स्क्वायर के। सेम ऐसे ही बी सी बराबर किसके होना चाहिए? सी बी के। तस्मक
तभी तो क्या होगा, ये क्रम विनिमेय बनेगा, ध्यान देना ये चीज है ना, तभी तो क्रम विनिमेय बनेगा अगर ए बी बराबर बी ए हो जाए, ये तो होता है, ए सी बराबर सी ए हो जाए और बी सी बराबर सी बी हो जाए। तो ये चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में जो अवयव हैं वो कहाँ से आने चाहिए, इसमें से आने चाहिए और केवल एक बार ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है दो बार ए आ जाए या दो बार बी आ जाए, दो बार सी आ जाए, ऐसा अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये कम विनिमेय में हो सकता ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसी चीज को प्रूव करेंगे कि उपरोक्त सारणी की प्रत्येक पंक्ति एवं स्तंभ में समूह का प्रत्येक अवयव आना चाहिए, ठीक है, और केवल एक बार, वह केवल एक बार आना चाहिए। तो दिक्कत हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं ए बी बराबर बी हो जाए, यहां से ए सी बराबर सी ए आयो और बी सी बराबर सी बी हो, ठीक है, ये तो होना चाहिए। कोई भी ये प्रूफ कर दो, बाकी अपने आप हम उसी एज दिस हो जाएगा, क्योंकि तो आपको पता है कि इस तरह के सवालों में आपको इसी प्रकार लिखते हुए ही काम करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं इसी प्रकार, और फिर वो काम पूरा आगे कर देते हैं, ऐसा नहीं पूरा पूरा बार बार करना पड़ेगा। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, दूसरी पंक्ति से हमारे पास क्या है कि ए बी है, तो देखो ए बी या तो बराबर किसके होना चाहिए, ई के, या फिर ए बी बराबर होना चाहिए किसके, बी के, या फिर होना चाहिए सी के। अभी हम ए बी को प्रूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि चार अवयव हैं, तो चार अवयव में से देखो जो ए बी आ रहा है, ये इस लाइन में देखो आप, सेम ए आ चुका है, ठीक है, ए आ चुका है, बी और सी नहीं आए हैं, तो अब ए बी जो है वो क्या होना चाहिए, बी और सी नहीं आए और ई भी नहीं आया, या तो ई के बराबर होगा, भाई ए तो आ चुका है यहाँ से, बचा कौन, ई के बराबर होगा, या फिर ए बी किस बराबर होगा, बी के, या फिर सी के बराबर होगा, राइट, होना चाहिए। तो हम ये तो कह रहे हैं केवल एक बार आए और प्रत्येक अवयव उसमें आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, अभी हम देखा ही था कि आवेली तभी बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास हम लेके चलते हैं कि अगर यदि ए बी बराबर किसके हो, बी के हो, अगर ए बराबर बी के हो तो आप देखो बी से भी कट जाएगा, जब हम ऐसा करें तो ए बराबर बी इंटू बी इनवर्स, भाई बी अपॉन में बी आएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, बी इनवर्स, और बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, ई होता है, इसका मतलब क्या है कि ए किसके बराबर हो गया, ई के, डेट नॉट पॉसिबल, क्यों, कि दो एलिमेंट आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं, अगर दो एलिमेंट आपस में बराबर हो गए तो फिर चार कोटि का थोड़े ना रहेगा, ये भी सोचने वाली बात है कि चार कोटि का थोड़े ना रहेगा, फिर तीन कोटि का बन जाएगा, कि दो एलिमेंट अगर बराबर हो गए तो उसको आप एक बार ही तो लिखोगे, दो बार तो लिख सकते नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम कहेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये तो बराबर हो जाएगा इसके, लेकिन इस हिसाब से ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पहली पंक्ति के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो बी ए है इसको देखेंगे कि बी ए किसके बराबर बन सकता है, तो बी ए जो है तीसरी पंक्ति में बराबर ई, या फिर बी ए बराबर ए, और या फिर बी ए बराबर सी। ठीक है, अब अगर बी ए बराबर ए के है तो वही बात हो गई, ए यहां जाएगा, देन ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, तो वही हो गया बी बराबर ई, यानी दो एलिमेंट आपस में बराबर हो सकते नहीं है, जब नहीं हो सकते तो इसका मतलब बी ए बराबर इज नॉट इक्वल टू ए, राइट, ऐसा होगा ना, संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा होना संभव है ही नहीं।
अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऑर्डर भी कम हो जाएगा, और ऑर्डर कम हो जाएगा तो हमारे पास टर्म बचेगी नहीं, तो ये चीज बराबर हो सकती नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास कि जो ए बी अगर ई के बराबर है तो बी ए भी किसके बराबर होगा, ई के, ए इंटू बी अगर ई के बराबर है तो बी इंटू ए भी ई के बराबर होगा। और इसी हिसाब से देखो बी ए बी बराबर किसके है, सी के है, ठीक है, तो बी ए बराबर भी किसके हो जाएगा, सी के हो जाएगा, राइट। दोनों से देख सकते हैं ना, एक तो यहां से देख लो आप बी ए बराबर सी, और एक आप यहां से देख लो ए बी बराबर सी के, ठीक है। तो ये चीज तो हमने कर दी, ये दोनों बची थी, ठीक है, और सेम यहां पर भी ये दोनों बचा, ये और ये, तो इन दोनों से क्या हो गया, आप खुद देखो ए बी बराबर किसके हो गया भाई, ए बी बराबर बी हुआ, यहां से भी दोनों तरफ से ए ई बराबर किसके हो गया, बी ए के। तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सिद्ध, बाकी वाली लाइन में कि ए सी बराबर सी ए और बी सी बराबर सी बी, राइट। तो अतः जी एक क्रम विनी में ग्रुप होगा, क्रम विनी में ग्रुप है या, ठीक है, होगा। समझ में आया आप लोगों को कि यही तो प्रूफ करना था, ये तो हम कर सकते हैं इसी प्रकार। तो यही ए बी बराबर बी ए चाहिए था हमारे को, इन दोनों से हमें पता चल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रम विनी में ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, धन्यवाद।